बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं मुरारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर जब भी मैं तेरे शरण आऊं, अगर अपनी सखियों के साथ यानी जीवात्मा की सखी आज मेरे करने में शर्म नहीं आती, कथा में ताली बजाने में शर्म आती, सत्संग में आने में शर्म आती, माथे पे तिलक लगाने में शर्म आती, गुरु को सर झुकाने में शर्म आती। जीवात्मा कहती है प्रभु सखियों के साथ आने में मुझे शर्म है। सखी सहनाओ शरम मोह लागे, सखी सहनाओ शरम मोह लागे, आओ अकेले कन्हैया, आओ अकेले बिहारी, आओ अकेले देखे सारी बिहारी हाथ से कथा करके निकल जाएंगे। कहने का मतलब जब पहुंचते तो हम किसी को जानते नहीं, और जब तक प्रेम होता है तब तक जाने का टाइम आ जाता है। इसलिए सत्संग में और इसमें समय ना लगाए और बिना गुरु के भजन ना करें, नहीं भटक जाओगे। धीरे 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 धीरे
फिर आऊं बहुत देर लागे जल्दी करूं तो भूले जाऊं, अगर जल्दी करोगे तो क्या होगा, जल्दी करूं तो छलक जाए गगरी बड़ी दूर लग गई।
राज्य प्रसादान अमृते मत्परा मन वंदाग्नि मेधसो यज्ञ सिखाने वा। ब्राह्मण देवता से भगवान ने कहा, जाओ कि धर्म राजकुमारी जैसा चाहती है वैसा ही मैं उन्हें चाहता, क्योंकि अगर आपका भाव ये हो जाए कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, तो आपके जीवन में कष्ट। कहते हैं जैसे मुझे विदर्भ की राजकुमारी चाहती है ना, मैं भी उनको वैसा ही चाहता हूं। और जाकर कह दो कि द्वेष बस मेरे विवाह को रोका गया है, लेकिन मैं अवश्य रुक्मणी से विवाह करूंगा। सारी रात भगवान को नींद नहीं आई है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अचानक वो दूर चला जाए, या ऐसा हो कि उससे विदाई होगी, या उसके पाने में मजबूरियां हो, तो स्थितियां निर्माण होती ही है। भगवान ने कहा नहीं, और भगवान ने तुरंत संकल्प ले लिया। विज्ञाय रुक्मिणी मधुसूदन रथ संयुक्त दारुके चलनी परसों, रुक्मिणी के विवाह का लग्न परसों रात्रि में है, इसलिए बिना विलंब किए ही सारथी को आज्ञा दिया। द्वारिका क्षेत्र को कहते हैं द्वारिका वन, और कन्हैया जी के सारथी का नाम है दारुक। ये दारुक विलंब मत करो। साचा अश्वे सेव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक युक्तम रथम पारुह तस्तु प्राण। तुम सैव सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक ये चारों घोड़ों को सजाओ और हम रुक्मिणी को लेकर आएंगे। कन्हैया जी ने रथ को सुसज्जित किया है और सवेरे सवेरे बलराम को बताए बिना ही प्रस्थान कर चुके हैं। यही भाव है कि धाये धाम काम सब त्यागी। अगर आपके प्रियतम से मिलना है, आपके प्रियतम को जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है, तो आया मत सोचो कि दो घंटे सज धज के तैयार हो जाए फिर कथा सुनने जाएंगे, क्योंकि मेरे बिहारी जी को तो आपके भाव से प्रेम है, आपकी सुंदरता से नहीं। स्वयं कृष्ण अपने भक्त को स्मरण करने पर तुरंत चल पड़े हैं, बेग विलंब है ना। जैसे दशरथ ने जाकर के गुरु वशिष्ठ से कहा था, भय राम सब विधि सब, उन्होंने कहा बेग जल्दी ये कार्य को करो। और अगर आप सत्संग में आने के लिए विलंब करोगे तो जीवन में आनंद नहीं बढ़ सकता। कन्हैया जी रुक्मिणी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और यहां रुक्मिणी जी कन्हैया जी की इंतजार कर रही हैं, कब आओगे गिरधारी समरिया। भाव है रुक्मिणी का यथार्थता में जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात है। यहाँ भाव है कि
को प्यासी कुर्सी रखवा दो भैया। कन्हैया जी रुकमणी की कुर्सी रखवा, कुर्सी एक साइड में। रुकमणी जी के लिए चल पड़े हैं तो भाव समझ के चलिएगा भैया। थोड़ा इसे सेट कर दो ऊपर बढ़ा के और बेस डाउन हो गया। कहते हैं फूलों की मन चाहत करना, फूलों की मन चाहत करना, कांटे भी मिल सकते हैं। शांति शांति अभी नहीं, अभी नहीं, सत्संग का आनंद नहीं लेना है तो बताओ। थोड़ी देर और रुक जाओ मेरी माँ। फूलों की मत चाहत करना, खुशियां भी खुशियों की मत चाहत करना, आंसू भी मिल सकते हैं। और फूलों की मत चाहत करना, कांटे भी मिल सकते हैं। कर्म करें और फलना चाहिए। शांति थोड़ा दूरी बना भैया राजू। कर्म करें और फलना चाहे अपना ये अंदाज नहीं। चांद की तमन्ना ब्रह्मांड पूरी तो तारे तो मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ रुकमणी की दशा कैसी है कि नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा देखा जाएगा। Yeah.
सेना सैन्य सेनापतियों ने घेर रखा है, शांति से आनंद लेंगे। भैया आचार्य जी ध्यान रखिएगा, और ये माताओं को शांति से। और कन्हैया जी ने देखते ही देखते रुक्मिणी जी का हरण कर लिया, और रुक्मिणी का हरण करके कन्हैया चल पड़े हैं बोलबा के बिहारी लाल की। द्वारका पहुंच करके उधर से एक आइए, आज घर जाओ पधारे रे, आज घर जाओ पधारे रे, आज घर thank you.
Bye.
लूट लिया था क्योंकि अर्जुन ने तो विद्या पहले ही कृष्ण को समर्पित कर दिया।
भागवत कथा में शांति में आप लोगों के साथ बड़ा आनंद आया है। वसुदेव जी के समक्ष भगवान ने आकर के उनके सारे पुत्रों को लौटा दिया। द्वारिकाधीश सोने की थी, उसे डुबा दिया है। ये जो ब्रज में या मथुरा में या द्वारिका के किनारे आप देखेंगे, यहाँ हरे भरे रंग बिरंगे पुष्प हुआ करते थे। प्रभु के जाने के बाद ये कांटों में बदल गए हैं, क्योंकि लोग विवाद न करें। प्रभु श्री हरि के जाने के बाद महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ इत्यादि से ला करके लाला मारवाड़ी को सबको मथुरा में बसाया है। जहाँ भगवान ने रेती पे खेला था, जहाँ मिट्टी को खाया था, उसका नाम रख दिया रमण रेती। जहाँ गैया का वर्धन हुआ था, उसको कह दिया गोवर्धन। जहाँ पर विहार करते थे, वहाँ कर दिया भगवत वैकुंठ हो गए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के समापन में भवे भवे यथा भक्ति पादयो यस्त जायते तथा कुरुष देवेश नात अस्तम नमः प्रभु।